माधव आनंद जी से कमेंट ले लूं। सैयद जफर इस्लाम साहब, मुझे पता चल गया है कि आप पहुंच गए हैं, पहुंच पहुंच के बीजेपी दफ्तर आप पहुंच गए हैं, आप जवाब सबका दीजिएगा। माधव आनंद जी जल्दी से देखिए, ये सरकार और सरकारों की चुनाव भी आजकल महंगाई का मुद्दा खूब उठता है, सब कहते हैं महंगाई पर वार, लेकिन कंडीशन सप्लाई आप कह देंगे कि फला ने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये तो स्वाभाविक है, ये तो होना ही था। आप लोग नजर बदल लीजिए, हर चीज पर कितनी नजर बदलेगी, जब जेब खाली हो तो नजर कितना कोई बदल सकता है, जवाब दीजिए सबकी बातों का। अंजना जी, पहली बात कि मैं आपकी पत्रकारिता और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, अदरवाइज तो मंदिर, मस्जिद, लाउडस्पीकर इस सब के आड़ में जो है इस तरह की जो समस्याएं थी, समस्याओं को उन पर चर्चा ही नहीं होती थी। तो आपके पत्रकारिता को धन्यवाद देता हूं कि पेरिस में रहने के बावजूद आपने संज्ञान लिया। महंगाई बहुत बड़ी समस्या है और मुझे ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि ये इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं। आज इन्फ्लेशन का रेट क्या है, 6.95% है अपने इंडिया में, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सैयद जी, ये सब बातें आप ही को सुना रहे हैं, प्राइसेस से कुल साथी आपके जरूर हैं, लेकिन आज सब बातें आप ही को सुना रहे हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, बोलिए माधव जी, सुन लीजिए जी, सुन लीजिए। अब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के बैठक में सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों से कहा कि आप अपना वैट कम कीजिए। भाई, केंद्र सरकार के अधीन भी एक्सरसाइज ड्यूटी है, आपको भी कम करने की आवश्यकता। अगर महंगाई पूरे भारतवर्ष में, महंगाई किसी एक स्टेट तक ही सीमित नहीं है, जहां तक रेपो रेट की बात है, सीआरआर की बात है, एसआरआर की बात है, ये सब के सब लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के लिए होता है। आपने सही विश्लेषण किया, क्या अभी जो रेपो रेट बढ़ा है क्या उससे महंगाई तुरंत नियंत्रित हो जाएगी? थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का ज्ञान मैं भी रखता हूं, मुझे नहीं लगता है। जो रेपो रेट अभी बढ़ाया है, 40 BPS बढ़ाया है, बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, उससे महंगाई पे लगाम लगेगा। अब महंगाई पे लगाम लगाने की आवश्यकता है, सरकार को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। कठोर कदम कैसे होगा? आपके चैनल पे कई बार मैंने कहा, जब तक आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे तब तक, क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है, अन्योन्याश्रय संबंध है, अन्य प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हर सेक्टर का, हर कमोडिटी स्पेस का असर पड़ता है। इसके लिए सभी राज्यों को भी तो तैयार होना होगा ना, सभी राज्य सरकारों को तैयार होना होगा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए। देखिए, आम सहमति जल्दी से सहमति बनाने की आवश्यकता है। आपने धारा 370 हटाया, आपने जिस तरह का कदम, अगर जो भारत के लिए अगर उपयोगी है उस कदम को उठाइए ना आप। हर सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, लेकिन महंगाई को नियंत्रित नहीं कीजिएगा, रोजगार पे बहस नहीं कीजिएगा, जवाब दीजिए सैयद जफर इस्लाम साहब, तो निश्चित रूप से लोग पिच पर उतरने दीजिए उनको। ठीक है, पिच पर उतरिए सैयद जफर इस्लाम साहब, अच्छे से नी क्या हैंड जो भी पैडिंग करनी है हेलमेट पहन के उतरिए, क्योंकि देखिए फास्ट बॉलिंग होगी महंगाई के मुद्दे पे। आप समझिए कि जो परिस्थितियां हैं, अच्छी नजर से देखिए, ये सब वाला मामला नहीं है, अब लोगों की जेब पर बन आई है। मैं स्टेट लेवल का क्रिकेटर रहा हूं अंजना जी, मुझे कभी आज तक चोट नहीं लगी है। सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं पहले बताना चाहता हूं कि अभी कह रहे थे हमारे मित्र माधव जी के जीएसटी के अंदर ले आना चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट को। भाई, पिछले बार यूनैनिमसली, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं ये कहता हूं चाहे बीजेपी की हो चाहे गैर बीजेपी हो, सब ने यूनानिमसली ये बात कहा कि अभी हम तैयार नहीं है जीएसटी के अंदर लाने के लिए। हम तो प्रपोज किया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया था जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, लेकिन हर के हाथ ऊपर उठे कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने जब कहा पुट अप योर हैंड दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड, तो कोई एक्सेप्शन नहीं था, सब लोगों ने हाथ उठाया, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे कोई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अर्थशास्त्र समझते हैं तो आप जाहिर है मार्केट को, दुनिया को भी समझते होंगे। आज हिंदुस्तान कोई आइसोलेटेड इकोनॉमी नहीं, इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है। आप देखिए कि इन्फ्लेशन कहीं और दुनिया के देशों में नहीं बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट दुनिया के देशों में नहीं बढ़ाया जाता। आज भी फेड की मीटिंग है शाम में, आप देखिए फेड की मीटिंग में क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी देख लीजिए। आप अंजना जी यूरोप में बैठी है, आपको सबको मालूम होगा, वहां भी पूछिए वहां इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है। तीसरी बात कह रहा हूं कि अगर आप देखते हो मार्केट को ये कर रहे हो, जो क्रूड प्राइसेस मोर और लेस स्टेबिलाइज हो गया है, लेकिन क्या पड़ रहा है, जो प्रोडक्ट के प्राइसेस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस है, वो बहुत बड़ा गैप बढ़ गया है। इसलिए कि मैंने पहले भी कहा था कि कैपेसिटी कम हो गई, रिफाइनरी कैपेसिटी कम हो गई है, इसलिए जो है इसके एक मिनट। चौथी बात मैं कह रहा हूं कि जो सप्लाई चेन, जो डिसरप्शन है सप्लाई चेन में, वो आपको साफ एविडेंट है कि आज जो है कमोडिटी आम आदमी बोलता है कि, लेकिन आज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आम आदमी को बता रहा हूं, कलेक्शन हो रहा है, छोटी सी बात, सरकार का एकदम बम्पर बम्पर मामला चल रहा है, कोई राहत दीजिए सरकार। अरे आम आदमी,
आपको सिर्फ कांग्रेस को जवाब नहीं देना होगा। सुनिए, महंगाई ऐसा मुद्दा है, महंगाई ऐसा मुद्दा है सर, जिसमें सिर्फ विपक्ष को नहीं, जनता की जेब पर बनाएगी तो वो भी नए तरीके से, वो नए नजरिए से आपको देखने लगेगी। अंजना जी एक मिनट, अंजना जी एक सेकंड, आप क्या बोल रही हैं? मैं वेलफेयर स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ, देश की जनता के लिए वेलफेयर स्कीम होता है। हमने 4.76% ऑफ जीडीपी, बताइए इतिहास में इतना बड़ा कौन से जीडीपी का, इतने बड़े जीडीपी का 4.76% FY21 में हमने कंट्रीब्यूट किया कि नहीं वेलफेयर स्कीम के लिए। और आज भी देखिए वेलफेयर स्कीम के लिए हमारी सरकार बहुत कंपैशनेट है। इसलिए अगर आज यूरिया के प्राइसेस पूरे दुनिया में बढ़ रहे हैं तो आज हमारे देश में नहीं है, हम इनको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो क्या सब्सिडी डबल से क्या ट्रिपल की करना पड़ेगा? तो हम किसान भाई बहनों को नहीं किसी तरह की आहत आने देंगे, उनके पॉकेट पे कोई आंच नहीं आने देंगे। इसी तरह गरीब आदमी को अनाज की जरूरत है तो घर घर तक अनाज पहुंचाएंगे, इसलिए कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, उनकी तकलीफों को हम समझते हैं।